और वॉक करके आते तो कोई चार्ज नहीं, सिर्फ टिकट लगेगी 130 रुपये। क्या क्या चीज़ लेके आनी है? बाइनोकुलर, एक पानी की, अपने साथ पानी की बोतल लेके आओ बैग नॉर्मली, खाने पीने का भी सामान ला सकते हो, कैंटीन भी है यहाँ पे, उसमें भी आपको स्नैक्स वगैरह मिलते हैं। तो मैंने आपको पूरा दिखाया कि आपको क्या क्या चीज़ लेके आनी है, कैसे क्या क्या करना है, यहाँ पे क्या क्या देखना है, वो सब चीज़ें मैंने बताई। फुल एंजॉय कीजिए, पैदल आइए, मज़ा आने वाला है। तो चलिए, मैंने अपना बाइक पार्क कर दिया और बाइक पार्क करने के बाद मुझे कुछ मेरे नॉन मिल गए हैं, और देखिए ये मिल गए अभी। और यहाँ पे यार काफ़ी भीड़ है, काफ़ी यार, ऐसा नहीं है कि ऐसा लगता था सुनने में यार कुछ भी नहीं है। अभी देखो अंदर क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मंदिर भी है एक, जिसके नाम से नेशनल पार्क है। ये 1982 में नेशनल पार्क बना दिया गया था, और ये जो यहाँ के राजा थे उसके लिए ये जो जंगल बनाया था, डक हंटिंग के लिए बनाया था। तो अभी अंदर चलिए, अंदर हम टिकट लेते, वो भी सारी जानकारी दिखाता हूँ, सब कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ, चलिए। और अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे जो टिकट काउंटर है वहाँ पे। आपको मैं क्लियर करता हूँ सारी चीज़ें। जो यहाँ पे टिकट है वो 136 की एडल्ट की है, और बच्चे जो स्टूडेंट है उसका 56 है। और अगर आप यहाँ पे साइकिल लेना चाहते हैं, जैसे साइकिल से घूमना चाहते हैं, तो वो आपको नॉर्मल साइकिल जो एटलस वाली होती है बड़ी, वो मिलती है 100 रुपये का है, 2 घंटे का, उसका फुल डे का ही रहता है आपका, हाँ सॉरी। और जो रेंजर है उसका भी आपको 150 रुपये होता है। और अगर तांगा लेते 1200 रुपये। देखो रिक्शा जो यहाँ पे आप करते हो वो 2 घंटे के लिए तो 800 रुपये लेते हैं, उसमें 4 मेंबर वो बिठाते हैं, 4-5 एडजस्ट करते हैं। सेम ऐसे ही गाइड का भी लिखा हुआ है, 800 रुपये गाइड के लेते हैं 2 घंटे के लिए। तो सामने यहाँ पे टिकट काउंटर है, आप यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं, आपको टिकट मिल जाती है। तो मैं भी खड़ा हूँ टिकट लाइन के अंदर, और यहाँ पे अभी लाइन लगी हुई, इसमें टिकट मुझे मिलेगी तो आसानी से फिर हम चलते हैं, देखते हैं, प्लान करते हैं कि अभी हमें साइकिल है या फिर, अभी सुनने में आ रहा है कि साइकिल है नहीं अभी, तो चलिए मैं टिकट लेता हूँ। और फाइनली हमें टिकट मिल चुकी है, अब हम चलते हैं अंदर, आपको दिखाता हूँ अंदर का पूरा व्यू, चलिए मेरे साथ। आपको यहाँ से साइकिल मिलेगी, रेंजर है 150 रुपये पर ट्रिप, 100 रुपये पर ट्रिप, बट हम चाहे तो साइकिल्स ख़त्म हो चुकी थी, तो अभी दूसरा ऑप्शन यहाँ पे है आपको रिक्शा, जो ई रिक्शा है वो है 800 रुपये का, उसके साथ गाइड है 800 रुपये का, या फिर आप तांगा लोगे 1200 रुपये का। तो चलो प्लानिंग करते हैं क्या करते हैं अभी। तो ई रिक्शे ये पर हेड 800 रुपये अभी पता करते हैं, साइकिल तो ख़त्म हो चुकी हैं। ये यहाँ से एंट्रेंस है, आपको सुबह जल्दी आओगे तो यार सारी चीज़ें टाइम से मिलेंगी, हम थोड़ा सा लेट हो गए, तो चलिए पता करते हैं क्या रेट्स हैं इनके। फाइनली हमने रिक्शा कर लिया है, बैटरी रिक्शा, क्योंकि साइकिल अवेलेबल नहीं थी तो यार हमें रिक्शा करना पड़ा। पर जो आवर्स है 400 रुपये एक घंटे का ये लेते हैं, और आपको देखते हैं कि कितना किलोमीटर है। और देखिए मैंने रिक्शा भी शेयर कर लिया है, तो अभी हम चल रहे, देखते हैं, सुबह का टाइम हो रहा है अभी, पर हेड सॉरी पूरे रिक्शे का 800 रुपये ऐसा बता दें, 2 घंटे का राइड बना रखा है। देखेंगे यहाँ पे ना साइकिल सुबह सुबह के टाइम पे साइकिल वॉक करके भी आ रहे हैं, रिक्शे से भी, तो देखते हैं यहाँ पे अलग अलग तरह के वर्ड्स नज़र आएंगे। अंदर एक गांव भी है और उस गांव के बारे में मैं आगे बताने वाला हूँ। चेक पोस्ट ये पड़ रही है, और चेक पोस्ट के साइड में फूटिंग एरिया, यहाँ पे साइड सीन है, वो है बोटिंग एरिया, वो आपको दिखाता हूँ मैं। और भरतपुर को लोहागढ़ के नाम से भी जाना जाता है, देखेंगे। और ये देखिए बोट आ भी रही है, बोटिंग भी आप कर सकते हैं। चार से मैंने पता किया तो 4 लोगों तक ये लेते हैं 300 रुपये, और 4 से ज़्यादा जो लोग हैं उनका ये लेते हैं 600 रुपये। तो चलिए नेक्स्ट, अभी हम देखते हैं। देखो यहाँ पे घूमने में एक मज़ा ही अलग है, शांति भी है,
वर्ल्ड सेंचुरी के नाम से मान लीजिए, और यहाँ पे एक मंदिर भी है उसके नाम से भी ये फेमस है। तो कभी कभी इसमें पैंथर भी बताया जाता है। ये 29 किलोमीटर के अंदर पूरा बसा हुआ है। इसके अंदर एक दो गांव भी हैं जैसा मैं अभी बताया था हमारे को। और ये अरावली पहाड़ों के साथ साथ, जैसे कि आपका जो अलवर में है सिरिस्का, वहाँ से पैंथर भी आ जाते हैं यहाँ पे। तो ये इन्फॉर्मेशन मेरे का मेन मोटिव आपको बताने का ये है कि अगर आप यहाँ घूमने आ रहे हो तो आपके बजट के अकॉर्डिंग, और ये जो कैब्स वगैरह हैं ये आप ले सकते हो बाहर गेट से 200 रुपये 300 रुपये, डिपेंड करता है। तो चलिए नेक्स्ट के ऊपर चलिए, मेरा पूरा वीडियो आप देखते रहना। चल चल आपको दिखाई दे रही है, तो ये चीते यहाँ पे पानी पीने आते हैं और धूप में यहाँ पे कई बार नजर आ जाते हैं। जैसे मैंने बताया था ना, अलवर का जो सिरिस्का है ये सब जामुन का है, जामुन का बाग है, जामुन भी है, खजूर भी है, कदम भी है, और अपना ये क्या नाम है, शीशम भी है। अच्छा, देते हैं यहाँ इसको ट्राई करा जाता है, ट्राई करके दोबारा खाने, क्योंकि ये डक्स का जो आपको अच्छा, जो ग्रीन ग्रीन है ये सिर्फ काई नहीं है, खाना है? अच्छा, काई उनकी खाना है एक तरीके से। यहाँ पे आपको थोड़ा शोर कम करें, किंगफिशर दिखाता हूँ अभी। सामने देखो, जो ब्लैक और ऐसे ले लो, ब्लैक गोरी वाइट भी कॉमन फूड है, और राइट में देखो वो जो फिर भी वो नॉर्थ ईस्ट कलर है, उसके साथ आगे मेल है वो फीमेल है, जो दिख रही है ब्राउन कलर की होगी, वाइट वाली दिख रही है। स्पोर्ट बिल्डक ये लद्दाख से बिलोंग करते हैं। हमारी लोकल है, और ये वाली जो है ये भी लोकल है, ये ग्रेट है, वो ब्राउन जिस जगह ना वो सामने उसका जूनियर बच्चा है छोटा सा, हाँ एडल्ट दिखाएंगे अभी है नहीं यहाँ पर, ठीक है। और वो इंडियन कौन है रंग, वो बैठा हुआ सामने, ये तो फेम है, मतलब यहाँ पर मेरे हिसाब से बर्ड्स के लिए फेमस है ना, हाँ। डक्स वगैरह हाँ। के लिए। तो यहाँ पर राजा ने एक दिन में कितनी डक्स यहाँ पर हंट की थी? 4,200। सामने देख रहे हैं ये है कॉमन कूट, जैसा हमारे को भाई ने बताया, ये चाइना से आती है, ये इंपोर्ट की गई है भाई चाइना से, कॉमन कूट, हाँ इसकी कोई गारंटी नहीं है, चाइना का माल है भाई, वैसे ही बता रहे हैं। तो देखो, अगर आप यहाँ घूमने आ रहे हो बाइनोकुलर ज़रूर लेके आओ, गाइड नहीं करना है तो इस तरह से तो आपको रिक्शे वाले भी दिखा देते हैं, तो आपको गाइड भी कर देते हैं, आपको कौन सा वर्ड वगैरह है। बट अगर आप अपने साथ लेके आ रहे हैं बाइनोकुलर, तो आपको एक अलग ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि गाइड सिर्फ आपको बाइनोकुलर और ये सारी चीज़ें दिखाते हैं, वैसे आपको रिक्शा भी वाले भी गाइड कर देगा। लेशर वुड पैकर, ये कहाँ है, इंडिया का ही है क्या? हिंदी में कठफोड़ा भी कहते हैं। कठफोड़ा इंडिया का ही है ना? तो हाँ, एक चीज और दिखाता हूँ आपको, तिब्बत कंट्री का पर्पल है, डक जैसा है,
ऐसा नहीं कि चीज़ें यहाँ देखने को नहीं चीज़ें चीज़ें आपको यहाँ काफ़ी देखने को मिलती हैं, बट आपको गाइड की ज़रूरत होती है। सामने भैया बताएंगे इसके बारे में, स्नेक बर्ड मतलब तीन बार उछाल के फिर खाता है, ऐसा है ना? नीचे ड्रिंक डाल के पानी में भूल देते हैं, तब जाके फिश लेके आता है, जब उसको गले में खींच लेते हैं। ओके, इससे फिशिंग कराते हैं, इसी कह रहे हैं। अलग अलग कंट्रीज़ के यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं वर्ड्स, और यहाँ पे पैंथर वगैरह भी दिख जाते हैं। जैसे पैंथर आते हैं, आपको बताए सरिस्का से भी आ जाते हैं, बताते हैं लास्ट टाइम जनवरी में भी दिखाई दिया था। तो देखो यहाँ पे आप अगर आ रहे हो सुबह जल्दी आने का, सुबह जल्दी आप आओगे तो यहाँ पे क्या है, शोर शराबा कम होगा और भी अलग अलग कंट्री के आपको नज़र आएंगे यहाँ पे वर्ड्स। उसके बाद दूसरी चीज़, एक बायनोकुलर ज़रूर लेके आए आप, और आप अगर कोई रिक्शे वाला आपको अच्छा मिलता है तो वो आपको गाइड भी कर देता है, दिखा भी देता है। देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे रिक्शे वाले भी बता रहे हैं। पेंटेड स्टोर कहाँ का वर्ड है ये? साउथ इंडिया का। फ्रेंड्स ये हैं कुछ वर्ड्स आपको नज़र आ रही हैं। नाम क्या है इनका भैया? ये मंगोलिया से आती हैं, और ये गाय तो हमारी है ना, ये मंगोलिया की वर्ड्स है। और ये देखेंगे और भी कुछ वर्ड्स नज़र आ रहे हैं यार। देखो ये दो वर्ड्स नज़र आ रहे हैं, ये इजिप्ट के हैं। दिखाता हूँ मंगोलिया के बारे डगूज, ये चार और ये देखिए बहुत करीब से, इजिप्ट चाइना सब जगह के वर्ड्स आपको दिखा रहे हैं। तो ये जो वर्ड सेंचुरी के नाम से आप जानते हो भरतपुर में, ऐसा नहीं कि भीड़ नहीं होती, काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पे। और नेक्स्ट मैं आपको लेके चलने वाला हूँ आपको वैष्णो देवी का ट्रैवलिंग वीडियो। तो देखिए मेरा जो मेन मोटिव है आपको यहाँ की पूरी सारी जानकारी देना, वो मैं आपको दे भी रहा हूँ। तो चलते रहिए मेरे साथ। जगह मैं पहुँच गया और उस जगह ग्रह और ऑन दिख रहा है, मुझे कंट्री का तो नहीं पता कहाँ से है, वो मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ। वर्ड ग्रेरॉन, अभी से एग्जैक्ट मुझे कंट्री नहीं पता कौन सी कंट्री का यार ये, तिब्बत का, ये हॉलैंड। साफ नज़र आती हुए नई जगह लेके आओ, झील है यहाँ पे अंदर, काफ़ी झील्स हैं, पानी वगैरह पीने आते हैं अपने बर्ड्स। देखो फ्लाई भी कर रहे हैं, देखिए सामने आपको दिखाता हूँ बारहसिंगा थोड़ा और पास में। तो बारहसिंगा होता है ये मेल कैटेगरी का होता है डियर में, और जिसके सींग छोटे होते हैं वो फीमेल होता है। ये लोग बच्चे भी आ गए यार, मज़ा भी काफ़ी आ रहा है मुझे तो, मौसम भी बहुत अच्छा है। देखिए ग्रास खा रहा है आराम से, टाइगर होता तो डर के भाग जाता। वर्ड है ग्रीन पीजन, हरा कबूतर। देखो वाइट वगैरह आपने देखे होंगे, ये देखिए ये ग्रीन पीजन है, ये देखिए ये बैठा हो बीच में सेंटर में। चलिए और भी दिखाता हूँ आपको, और भी मज़ा आने वाला है। चलते रहिए हुकुम सिंह ब्लॉग्स के साथ, फुल एंजॉय कर लीजिए। स्पॉट और भी दिखा है, चलिए वहाँ देखते हैं, एंजॉय करते हुए यार। देखो इसकी जो जो इसके फुट देखे ना, वो ऑरेंज कलर के हैं। देखो देखो जो फुटते हुए जा रहे हैं, लंबे जैसे होते हैं, बम्बू जैसे होते हैं ना, बांस होता है ना, बांस की तरह होता है। कहाँ का है ये? फिर इंडिया में, हमारे इंडिया का ही। मतलब कभी कभी आता है, ऐसे रोड नहीं दिखता है, ये सिर्फ विंटर के महीने में आता है। कहाँ पे? नेचर के साथ अगर रहना है, देखो पेड़ पौधे शांति सब कुछ मिलेगा यार यहाँ पे, ऐसा नहीं है। घूमने के साथ साथ आपको वर्ड्स, आपका लक है अच्छा तो आपको पैंथर वगैरह भी दिख सकता है। तो चलो और भी कुछ चीज़ें हमारे भाई दिखाएंगे हमारे को। उड़ा दिया क्या? चलो
चलो दूसरी जगह देखते हैं कोई दूसरा वर्ड। बैठो यहाँ से आराम से, वहाँ तक देखो वहाँ भी काफी सारे हैं। ये सबसे बड़ा और बाकी भी छोटे छोटे ठीक कोई हाँ पर्पल स्वान को लिपस्टिक बर्ड भी कहते हैं और ये जो मजाक में कहते हैं और ये पूरी घास की रूट्स को खा जाता है तो पूरी घास यहाँ से साफ करके चले जाते हैं। ऊपर वो अपने मुंह में से निकाल के खाना देगा, खाना मतलब 6 महीने तक ये यहीं रहते हैं और मतलब जो अपना इनका एक घोंसला होता है वो 3 साल तक रेगुलर यूज कर लेता है, उसके बाद दूसरी जगह बनाता है नहीं, फिर वो अपने टूट जाते हैं ना, ब्रोकन हो जाते हैं, गल जाते हैं। तो ये कहाँ का है वैसे ये पक्षी? साउथ केरल का है। तो वहाँ पे तो इस टाइम पर भी ऐसा कोई बर्फ नहीं पड़ रही है वहाँ पे साइड खाने के लिए, आते क्यों यहाँ पे? हैबिटेट अच्छा है यहाँ पर खाने के लिए, ज़्यादा मिलता है। ओके इसलिए उतने किलोमीटर से आते हैं साइबेरिया मंगोलिया। ब्राउन इस जगह ना और ये चैन बच्चों को हैच यही करता है, फीमेल अंडे देके हैच बना के छोड़ जाती है, हैच इसी उसी को करता है। देखो ये तो यही बच्चों को पालता है, पालता है फीमेल यहाँ से चली जाती है। हाँ तो इसका इसका धोखा देके इसका जो अंडे जरिए मतलब पाल इसमें पानी में बनाती है। ओके अमेजिंग यार ये भी, जैसे देखिए बहुत करीब से मैं आज आपको आउल दिखाता हूँ। ये देखिए मैं एक आउल यहाँ से ये बैठे रहते हैं और यहाँ पर बर्ड सी नज़र आते हैं, दोनों जोड़े में हैं मेल फीमेल। चौकी काफ़ी ग्रुप है, खूब बड़ा है। अरे भाई पीछे आ जाए भाई, ये देखो ये पेंटेस्टोर के जो अभी आया हुआ है, जो ये सब बच्चे ये एशियन ओपन रजिस्टोर के, ये गर्मी को भीषण गर्मी में आता है, जब बारिश के दिन जब बारिश होती है तब आता है ये, नवंबर के महीने में चला जाता है यहाँ। अंडे बच्चे देके बड़ा करके चला जाता है, बच्चे यहीं रह जाते हैं इनके। आपको कम पड़ सकता है अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ में, ऊंचाई उड़ने वाली। एक ही माउंट में एवरेस्ट ऊपर को पार करते हुए एशिया के प्रति झीलों के पास हजारों संख्या में कॉलोनियों में प्रजनन जड़ों से प्रति भारत दक्षिण अफ्रीका शारीरिक रूप से हम के तबाह सबसे बड़ी ऊंचाई यही बड़ी करती है सबसे ज़्यादा। इसको हिंदी में सरपट्टी साउंड कहते हैं, करे लगती है, मगर उसकी जो बीक है वो ऑरेंज कलर की है। ये जुनल बच्चा है, इसका जो नाम क्या है इसका? कॉमडा, इसके सिर पे कॉम होता है। ये यूरोप से है ना, मगर क्या है कि एडल्ट में है नहीं, एडल्ट जो है जुगनल बच्चा है, ऐसा रखा हुआ है यहाँ पर, तो वो कहीं गए होंगे खाने के लिए। ये कम से कम 5-6 का ग्रुप है इनका। तो ये मतलब यहाँ पे प्रेग्नेंट आती है, कैसे क्या होता है यहाँ? बीट करती हैं जगह जगह, हर जगह बीट करती हैं, और तो कहीं से उड़ा के लिए आए बच्चों को, जो उनको यहाँ आके खिलाती हैं, उनको बड़ा करती हैं।
उसकी मम्मी तो अभी तोड़ने लग रहे हैं, बेर तोड़ रहे हैं। क्या बहुत अच्छी लग रही है डुब्बू आपकी यार, देखिए थोड़ा आगे आते हैं तो दो में डिवाइड में किया हुआ है के ब्लॉक, और ये देखिए किल किले, ये किंगफिशर यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, पानी बहुत गहरा हो जाता है, लगाए हुए हैं यहाँ पे ये किंगफिशर्स की लगाई हुई हैं, कॉमन किंगफिशर, रेड किंगफिशर, वाइट किलकिला, ये सब चीज़ें दिखाई हुई हैं। तो देखिए डुब्बू तो जा रहा है अभी गाना कैनाल, जैसे कैनाल पीछे दिख रहा था इसमें घना वर्ड सेंचुरी भी कहते हैं क्योंकि बहुत घना जंगल था। अभी यहाँ पे एक मंदिर भी है शिव का, उसकी भी कुछ कहानी है कि कहानी ऐसी बताई जाती है कि एक गांव में गाय हुआ करती थी, एक केला का पेड़ था उसमें जो रोज़ाना वो दूध उधरी अपने आप ही दे के चली जाती थी, बट उसके पीछे क्या उसके जो नीचे था ना, नीचे से शिवलिंग था। वो कैसे पता चला, जो गाय का मालिक था उसने देखा यार मेरी गाय का दूध कौन निकाल लेता है, वो उसने पीछे छुप के देखा तो गाय कहीं पे केला का जो पेड़ है उसके ऊपर वो दूध चढ़ा के जा रही, दूध दे के जा रही वहाँ पे। तो जब उधर खुदाई की गई तो शिवलिंग मिला, और वो मंदिर इधर ही है, उस मंदिर का नाम अभी आगे बताने वाला हूँ, चलते रहिए मेरे साथ। और देखिए आप ट्रैक कर सकते हो, काफ़ी लंबे ट्रैक यहाँ पे 29 किलोमीटर का पूरा ये बसा हुआ है, कुछ एरिया तक तो रिक्शे आते हैं बाकी आप पैदल भी जा सकते हो। चारों तरफ पानी भरा हुआ, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी, देखिए कितने वर्ड्स हैं, ब्लू कलर के, ग्रे कलर, पिंक कलर, सभी कलर दिखाता हूँ। ये घास को खा रहे हैं, बिल्कुल उनकी जड़ों को निकाल रहे हैं, और ये पूरी घास को जब यहाँ से जाते हैं ख़त्म करके चले जाते हैं क्योंकि ये घास को जमी पानी में से निकाल रहे हैं। चारों तरफ पानी भरा हुआ है ये देखिए, और दूसरी तरफ भी मैं आपको दिखाता हूँ, पानी ही पानी है, देखिए छोटा सा बच्चा आ रहा है, और देखिए यहाँ जिधर जिधर आपकी नज़र जाएगी ना वो सारी तरफ आपको पानी नज़र आएगा। देखिए ये रोड, और रोड के साइड में उधर पानी दिखाई, देखिए चारों तरफ पानी पानी नज़र आ रहा है। बर्ड्स कहीं, कोई बर्ड्स बैठा हुआ है, कोई साइबेरिया से, कोई चाइना से है, कोई इजिप्ट से है, कोई हॉलैंड से है, सारे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं क्योंकि खाने घूमते डुग्गू मिसी का सब आ भी रहे हैं यहाँ पे, कुछ फोटोग्राफी करेंगे। देखो यहाँ पे कम से कम 3-4 घंटे का टाइम लगता है, और तो ऑटो वाले मिनिमम ट्रैक है वो नॉर्मली आपको ले आते हैं, बट आगे आपसे भी पूछते हैं कि आगे जाना, हमने तो कहा यार पूरा देखना है हमें क्योंकि मुझे हुकुम सिंह ब्लॉक से थ्रू पूरा आपको घुमाना है, तो अंदर क्या है पूरा शांति है। तो देखिए अगर आप यहाँ पे 6 घंटे भी बिताना चाहें ट्रैक करके, तो मैं तो सजेस्ट करूँगा अगर आपके अंदर एनर्जी है तो आप पैदल ही आना पसंद करेंगे, और मैं कुछ लोगों से पूछता भी हूँ कि वो पैदल आना पसंद करेंगे रिक्शे में। चलो अच्छे बताइए डुग्गू आप कैसे पसंद करोगे यहाँ पे घूमना, पैदल या रिक्शे से? देखो छोटा सा बच्चा है, पैदल पसंद करना। मिसी का बताएगी कैसे घूमना पसंद करोगी? पैदल। पैदल क्यों, पैदल क्यों पसंद करना चाहोगी? रिक्शे में मजा नहीं आ रहा, और थक जाओगी फिर क्या करोगी? खाना खा लूंगी। तो भाई मैं भी ये सजेस्ट करूंगा कि आप आओ 2-3 घंटे, थोड़ा सा देखो अपने साथ पानी रखो, एक बैग में सारा सामान रखो, बाइनोकुलर जरूर लेके आओ, और पैदल इसको पूरा एक्सप्लोर करने में बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है? क्योंकि सर्दी के मौसम मैं यही कहूंगा नवंबर से लेकर मार्च, फरवरी मार्च तक सारे वर्ड सुबह आ जाते हैं। ये देखिए गया टेस्ट कैसा लग रहा है भाई? बच्चे खूब खाएंगे, बच्चे दबा के खाएंगे, मरती भी है, मजा आ रहा है, लगे हुए हैं। ये देखिए मिसिका ने कचौड़ी को कर दिया पूरा, कचौड़ी बना दिया है मिसिका। इसमें पानी, यहाँ पानी पी ले, गीला पानी, और इधर भी पानी है, इधर हम हाथ धोएंगे, मजा आने वाला भाई, पिकनिक। साइकिल के साथ भी ट्रैकिंग कर रहे हैं ये देखिए, ये मैं आपको अब बता रहा हूँ पूरा फाइनल, आप यहाँ पे साइकिलिंग ले सकते हैं। 2-4 खाएंगे कितने करने वाले? पूरे झुंड में रहते हैं ना एक परिवार की तरह, चाइना से है ना ये सारे। ये परमानेंट है, सारी ये फिशिंग कर रही है, बहुत करीब से लेके जा रहा हूँ, तो सारी फिशिंग अपना भोजन के लिए करते हुए, और खेल भी रहे यार, मजा आ रहा है।
अब पंख फैला के बैठे हैं, धूप ले रहे हैं पूरा। चमगादड़ का साइज इतना बड़ा दिखाऊं कि आप देखते ही चौंक जाओगे, तो वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बर्ड सेंचुरी से डायरेक्टली देखोगे आप, चौंक जाओगे। ये देखिए कितना बड़ा है, ये देखिए दिख रहा है आपको। दिन में तो सोते हैं, रात को अपना कार्यक्रम करते हैं, साइकिल स्टैंड भी है, कैंटीन भी है, वो मैं आपको बताऊँ। आराम से पानी पी सकते हैं, बैठ सकते हैं। सजेस्ट आपको अपने अकॉर्डिंग करना पड़ेगा यार कि कहाँ, बट यहाँ पे एक मंदिर भी है। तो मंदिर का नाम क्या था, मंदिर का नाम केवला देव, वो जस्ट पीछे है। बहुत ही अच्छी चीज़ जो यहाँ पार्क की है, हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में एक बोर्ड दिखाता हूँ, आप पढ़ भी सकते हैं कब से क्या क्या चीज़ें हुई। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो जो चीज़ें आपने अभी तक नहीं देखी। आप जब बीच में पहुँच जाते हैं कैंटीन के पास, मेजर हिस्टोरिकल इवेंट इन केवला देव नेशनल पार्क, जो मंदिर है उसके नाम से, 1726 से 73 के अंदर अजन बुंदवाजा कंस्ट्रक्ट बाय द महाराजा सूरजमल। मैंने बताया था कि वही ठीक है, उसी साल सूरजमल जी ने बनाया। उससे 1850 से लेकर 99 तक आप पूरा पढ़ लीजिए, आपको मैं सारी चीज़ें दिखा सकता हूँ। ये देखिए 1981 में केवला देव घाना सेंचुरी वाज अपग्रेडेड नेशनल पार्क बनाया गया। देखिए लास्ट में 85 में ये दिखाया, पार्क वाज डिक्लेयर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट अंडर द वर्ल्ड हेरिटेज साइट कन्वेंशंस। ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं, ये देखिए ध्यान से पढ़ सकते हैं आप। भाई कोल्ड ड्रिंक के देखो, यहाँ पे कैंटीन है और आपको यहाँ पे स्नैक्स का टाइम मिल जाता है। मैं आपको पूरा यहाँ का समझाता हूँ कि मेन पॉइंट क्या है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, तीन चार किलोमीटर का एक मेन ट्रैक है। पे दो टावर बनाए हुए हैं कि यहाँ से पूरे यहाँ पे क्या है कि ये दो टावर मींस की थोड़ा सा ऊंचाई पे के व्यू के लिए बनाए गए हैं। अभी एक भाई बोल रहे थे कि 96 में आया तो काफ़ी अजगर थे यहाँ पे, तो चलो चलो इसके बाद एक यहाँ पे मंदिर है केवला देव मंदिर में और चलते हैं। फिर आपका यहाँ का मैं टोटली बताऊँगा क्या ऐसे आपको आना है, क्या क्या करना है। मंदिर के बाद हम रिटर्न करेंगे 4 घंटे। देखो मैं सजेस्ट आपको यही करूँगा कि अगर आपके अंदर कैपेसिटी है तो वॉक करके आइए, बुज़ुर्ग हैं तो रिक्शे से आ सकते हैं, क्योंकि रिक्शा हर घंटे के 400 रुपये लेता है। और आपका जब अंदर आ जाओगे तो दिल इतना करेगा कि यार मैं यहाँ पे पूरा शाम तक रहूँ। और फाइनली हम पहुँच चुके हैं केवला देव मंदिर, और यहाँ पे जो भोले बाबा का मंदिर है उसके बारे में देखो लिखा भी हुआ है। अब हम चलते हैं अंदर, और मेरा पूरा हुकुम सिंह ब्लॉग्स के थ्रू मैंने पूरा वीडियो आपको दिखाया है। थोड़ा सा बड़ा ज़रूर बनाए पर पूरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाए, पूरा वॉच करें। और देखिए मैं अंदर दर्शन करके आता हूँ, तब तक रिक्शा में थोड़ा सतर्की से जाइएगा, क्योंकि 2 घंटे का जो टाइम लेते हैं, 2 घंटे में तो आपके पहुंचा देते हैं, फिर आपसे कहते हैं कि सर आपके 1200 रुपये 2 घंटे के हो गए, सॉरी 800 रुपये हो गए। अब नेक्स्ट वहाँ पे जब आप सेंटर पॉइंट कैंटीन में बैठ जाते हैं, क्योंकि आपको घूमना होता है, तो सजेस्ट यही करूँगा कि आप 2 घंटे बाद उसमें अगर जा भी रहे हैं रिक्शे से वहीं पर उतर जाए, वापस आपको ज़्यादा 1/2 घंटा लगेगा। और रिक्शे से जो टाइम लगता है 3-3.5 किलोमीटर है, 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है। तो चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाने वाला हूँ वैष्णो देवी का। अगर आपने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं,
अब देखिए मिसी का डुगू कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या सबसे अच्छा लगा? टाइगर देखा था? नहीं। क्यों नहीं देखा टाइगर? दिखाई नहीं वहाँ पे। भाई दिखाई नहीं, तो चलिए